गुड मॉर्निंग क्वींस। फाइनली फाइनली एक हफ्ते के बाद मैं अपना गोल्डन आवर दोबारा शुरू कर पाई हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोग भी रोज आजकल मुझसे पूछ रही हैं, डॉक्टर शिवांगी इस कड़कड़ाती सर्दी में कैसे इंसेंटिवाइज हो सुबह उठकर अपना गोल्डन आवर करने के लिए। तो मैंने तो भाई एक तरीका ढूंढा है। मैं तो अपने अब पहले अगर 3 अलार्म्स लगाती थी ना सुबह उठने के लिए 5-5 मिनट के गैप पे, तो आजकल मैं 6 अलार्म्स लगाती हूँ क्वींस। 5-5 मिनट के गैप पे बार 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 जब अलार्म तुम्हारे कान में बजता है तो तुम्हें बहुत अच्छे से रियलाइज होता है कि तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग है। और वैसे भी जब हम गोल्डन आवर सुबह का एक घंटा जो सुनहरे पल होते हैं हमारे जीवन के, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ डिस्कवरी के लिए हम लोगों ने डिवोट किए हैं जो सुबह का एक घंटा, उस एक घंटे को जब हम लोग जिस दिन नहीं कर पाते या जिस दिन छोड़ देते हैं ना, हमें हमारी लाइफ से कुछ बहुत ही बेहतरीन मिस होता हुआ दिखाई देता है। एटलीस्ट मुझे तो होता है और मेरे क्वींस के रिव्यू से मुझे पता लगा कि हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है। तो क्यों ना उस एक पल को कॉम्प्रोमाइज ना होने दिया जाए और गोल्डन आवर को हम लोग पूरी तत्परता के साथ निभाएं सर्दियों में भी। हाँ, एक आध घंटा तुम लेट उठ सकती हो, इट्स ओके। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इतना ज्यादा प्रेशर वर्क भी नहीं होता सुबह सुबह, तो इसलिए क्यों ना हम थोड़ा सा आराम से उठते हुए भी पहला एक घंटा खुद के लिए संजो के रखें। ठीक क्वींस, अब तक मैं तुम्हारे साथ इस साल के 2 रेजोल्यूशंस जो मैंने खुद के लिए लिए थे वो शेयर कर चुकी हूं। पहला रेजोल्यूशन था कि हम लोग अन्य को माफ करने के लिए यूजुअली, अन्य से माफी मांगने के लिए यूजुअली अपने साल के एंड में तत्पर हो जाते हैं कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया या किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो फॉरगिवनेस दी भी जाए और ली भी जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम अपने आप को, स्वयं को माफ करने में चूक जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरे हुए थॉट्स हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं क्वींस। हम इतने बड़े क्रिटिक्स होते हैं अपने खुद के बारे में, अपनी बॉडीज के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, हमारा जो रवैया है हमारे बच्चों की तरफ, हमारी फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, सोसाइटी की तरफ। यूजुअली 2 तरीके से हम सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं खुद को। या तो हम अपने आप को जो हमने किया उससे बेहतर करना महसूस करते हैं कि जो भी मैंने इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए किया, शायद मैं इससे थोड़ा और बेहतर कर सकती थी, शायद अगर मुझे गुस्सा ना आता तो मैं इसे इस तरह से हैंडल करती, शायद अगर मुझे चिढ़ ना मचती तो मैं सही समय पे अपने हस्बैंड के साथ इस बात को टैकल कर लेती, सही समय पे अपने बच्चे को सही बात समझाने में सक्षम हो जाती, लेकिन मैं तो खुद ही फिसल गई, मैं तो खुद ही गुस्से में घिर गई, मैं तो खुद ही चिड़चिड़ाहट से भर गई, मैं तो खुद ही तेज बात करने लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दूसरे तरीके की सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है जब हम लोग किसी से पीसफुली या कहूं मौन होके कुछ सुन के आ जाते हैं और फिर हमारा पूरा टाइम वही प्रोसेस चलता है खुद को देखने का, खुद को तुझे ऐसे नहीं इस तरह से जवाब देना चाहिए था शिवांगी, तुझे ऐसे सोचना चाहिए था कि अगर उसने ये बोला तो मैं उसके ऊपर ये शब्द रख के ये उसको वापस फेंकती तो उसको ना आगे के लिए सबक मिल जाता, वो दोबारा से मुझसे पंगे ना लेती। इस तरह के सेल्फ क्रिटिसाइजिंग थॉट्स, सेल्फ इवैल्यूएटिंग थॉट से हम भरे रहते हैं पूरा दिन और खुद को कहीं ना कहीं माफ करने से चूक जाते हैं क्वींस। इसीलिए मेरा पहला रेजोल्यूशन है साल का कि मैं खुद को माफ करूं। जब मेरे ईश्वर मुझे अनंत चांसेस दे सकते हैं और मुझ में बैठे हैं, मेरे बाहर बैठे हैं, मेरी परिस्थितियों में भी मेरे ईश्वर, मेरे एक्शन रिएक्शन में भी मेरे ईश्वर, मेरे थॉट प्रोसेस में भी मेरे ईश्वर, हर जगह जब उन्हीं का वास है और वो मुझे माफी देने में तत्पर है तो क्यों मैं खुद को माफ करने में असहाय महसूस करूं, क्यों मैं खुद को माफ ना करूं। इसलिए पहला रेजोल्यूशन है खुद को माफ करना एंड आगे बढ़ना लाइफ में पॉजिटिविटी देखते हुए। हर सिचुएशन में मैंने कैसा भी रिस्पांस बनाकर उस सिचुएशन को दिया हो, चाहे बाद में मुझे वो रिस्पांस ठीक लगे या नहीं लगे, एटलीस्ट मैंने एक रिस्पांस क्रिएट किया और अब मुझे उस रिस्पांस पर वर्क करना है, पॉजिटिवली वर्क करना है, पॉजिटिव सोच के साथ वर्क करना है।
That is the first New Year resolution that I made for myself. एंड सेकेंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि फोकस के बारे में था, कैसे हमें जो चीज हम कर रहे हैं उस पर 100% फोकस रखना है. आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूं क्वींस, वो कहीं ना कहीं आए दिन, पता नहीं क्यों मुझे आजकल ज्यादा दिखने लग पड़ी है, और जब मेरी क्वींस के मैसेजेस आते हैं तो मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि मेरी क्वींस भी इस दुविधा को ज्यादा से ज्यादा फेस कर रही हैं आजकल. क्वींस, हम औरतें किस बात के बारे में जानी जाती हैं? सबसे बड़ी बात जो हमारी पॉपुलर होती है इस सोसाइटी में, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, कि अगर किसी बढ़ती हुई औरत को, किसी ऊंचा उठती हुई औरत को नीचे खींचना है, या उसे ऊंची उड़ान भरने से रोकना है, उसे बेड़ियों में बांधना है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो उसके चारों तरफ की दूसरी औरतें हैं ना, उन्हें भड़का दो. क्योंकि एक औरत को बैरली ही कोई मर्द नीचे खींचता है क्वींस. हमें बैरली ही हमारे साथ एसोसिएटेड वाले मर्द नीचे खींचते हैं. यूजुअली एक औरत को दूसरी औरत ही नीचे खींच रही होती है. एक औरत की ग्रोथ से, एक औरत के आगे बढ़ने से, सक्सेस से, यूजुअली सबसे पहली प्रॉब्लम अन्य औरतों को होती है. अभी मैं रिसेंटली एक पार्टी में गई, एक इवेंट पे गई, एंड वहां पर मैंने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो औरतों के अंदर आती है वो होती है हमारे प्री मेड व्यूज, हमारे प्री मेड विचार, जो हम अपना सबसे ज्यादा समय का हिस्सा, जो पूरे दिन में अगर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 6 घंटे चलो सोने के लिए निकाल दिए, बाकी जो बचे हैं हमारे पास 18 घंटों में से लगभग 5 घंटे निकाल देते हैं तुम्हारे घर के कामों में, तुम्हारे अन्य वर्क्स, बाहर के काम, बच्चों के काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो 5 घंटे भी निकाल दिए, बाकी 12 या 13 घंटे, एक बहुत बड़ा पीरियड जो हमारे दिन का होता है, औरतें, यूजुअली जो विमेन हैं, वो उस टाइम को केवल और केवल लोगों को डिस्कस करने में लगाती हैं. हम लोग इतना बड़ा समय अपनी लाइफ का, अपने जीवन का इतना बड़ा मेजर हिस्सा एक दूसरे को डिस्कस करने में लगाते हैं, और उस डिस्कशन में भी शायद ही 2-3% पॉजिटिव बातें हम डिस्कस करते हो एक दूसरे के बारे में. ज्यादा से ज्यादा 95-97% के बीच में, ये स्टैट्स हैं, इंटरनेट पे खोलोगी ना तो भी तुम्हें ये स्टैट्स मिल जाएंगे. 95-97% हिस्सा हमारे उस मैक्सिमम टाइम यूजेज का हम लोग नेगेटिवली, नकारात्मक तरीके से एक दूसरे के बारे में बात करती हैं. कितना आसान है हमें कंट्रोल करना, नहीं? एक औरत को बस थोड़ा सा भड़का दो दूसरी औरत के बारे में, कितना आसान हो जाएगा. उस पहली औरत को भड़का के दूसरी औरत की ग्रोथ को रोकने में, उसके लिए उसकी ग्रोथ और ज्यादा जटिल बनाने में, और ज्यादा डिफिकल्ट करने में, कितना आसान है हमारे लिए. और मैंने उस इवेंट पे भी देखा कि प्री मेड नोशंस, क्योंकि हमारा मैक्सिमम हिस्सा एक दूसरे को डिस्कस करने में जाता है, जो कि ज्यादातर नेगेटिव डिस्कशंस होती हैं, तो हम चाहे किसी इंसान से पहली बार भी मिल रहे हों, तो भी हम ऐसे मिल रहे होते हैं, एक विचारों के जाल से उस इंसान को देखते हैं, और वो विचार हमारे खुद के नहीं है. यूजुअली वो विचार हमें दूसरों ने, अन्य ने बनाए होते हैं हमारे लिए. यूजुअली दूसरे हमें बताते हैं कि उसने ना ऐसे किया था, वो वैसे है, वो वैसे है, वो है ना नाक चढ़ा के बस ना अपना आप चुपचाप जॉगिंग करती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, ऐसे ऐसे. एंड ये तो बहुत कम बोल रही हूं मैं, इस तरीके की पता नहीं क्या क्या गुत्थियां बंधी होती हैं उन लोगों के दिमाग में जिनसे तुम आज तक मिली ही नहीं हो, और तुम्हारे दिमाग में उन अन्य लोगों के लिए जो तुमसे आज तक नहीं मिले हैं. और जब तुम लोग एक दूसरे का आमना सामना करते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तो तुम एक दूसरे का रियल रूप देख ही नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी एक जाल बना हुआ है विचारों का, जजमेंट्स का जाल. क्यों है ऐसा क्वींस? क्यों हम एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते?
खुद के अंदर टटोलो, खुद को खोल के देखो। बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट देती हूं अभी की अभी, अपना फेसबुक खोलो, फेसबुक खोलो और जिन लोगों से तुम्हें लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, उनके पेज पे जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें नहीं पता ज्यादा, शायद एक आधा इंसिडेंट उस इंसान के साथ, उस क्वीन के साथ तुम्हारा खराब हुआ होगा, या हो सकता है उस क्वीन ने कुछ मेजर खराब कर दिया हो तुम्हारी लाइफ का, जो कि माफ करने लायक है अभी भी, लेकिन फिर भी अब तुम उस क्वीन के बारे में, तुम्हारे मन में एक शंका बन चुकी है। तुरंत जाओ और सभी लोगों की फेसबुक प्रोफाइल्स खोल के देखना शुरू करो जिनसे तुम्हें हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, या तुम उनके बारे में थोड़ा सा दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव सोचती हो। एंड वहां जाके जब तुम उनकी सुंदर पिक्स देखती हो, या तुम उन्हें कुछ आगे बढ़ता हुआ देखती हो लाइफ में, या कुछ प्रोग्रेस करते हुए देखती हो, तो तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे वाली फीलिंग क्यों आती है क्वींस? या फिर कई लोगों के बारे में हम एब्सोल्युटली न्यूट्रल होते हैं, या कई लोगों को हम शायद जानते भी नहीं, लेकिन थ्रू एंड थ्रू फ्रेंड्स का, आगे से आगे से आगे हम लोग, फैमिली का कोई रिश्ता निकल आता है दूर दराज का, या दोस्तों के बीच में कोई रिश्ता निकल आता है दूर दराज का, और जब हम किसी बढ़ते हुए इंसान को देखते हैं तो हम, अगर तो उससे लिंक्ड नहीं है तो फिर भी हम अच्छा फील कर लेते हैं कि वाह यार क्या काम कर रही है ये। लेकिन जैसे ही हमारा उसके साथ चाहे दूर दराज का चाहे पास का रिश्ता निकल आता है, हमें फिर से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ रही है इसकी लाइफ में ऐसा क्या है जो ये इतना ग्रोथ कर रही है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले तो हम रीजंस निकालते हैं कि इसके अंदर ना जरूर इसकी फैमिली जो है ना इसको इस तरह से सपोर्ट करती होगी, मेरे पास तो फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना। अच्छा, जरूर है ना इसके, जरूर कोई ना कोई लिंक्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, मुझे लगता है कि ये है ना कुछ ना कुछ, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट करती है अपना काम, नहीं तो ना ये कुछ ना कुछ करती है अपनी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। अरे ऐसे थोड़ा ना बढ़ा जाता है आगे, हाँ नहीं तो हम ना बढ़ लेते कब के क्वींस इस तरह के पहले तो हम रीजंस, बहाने ढूंढती हैं दूसरे को नीचा दिखाने के, खुद को एक एक्सक्यूज देने के कि क्यों तुम लाइफ में वो नहीं कर पाई जो तुम करना चाहती थी, या जो वो सोच पाई तुम क्यों नहीं सोच पाई, क्योंकि तुम्हारे पास ये कारण थे। मानती हूं कई बार कारण भी बहुत बड़े होते हैं क्वींस, लेकिन क्यों हम एक दूसरे से इंस्पायर होने की जगह, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जगह, इनकरेज करने की जगह, एक दूसरे को विचारों से ही नहीं, अपने एक्शंस से, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से हम एक दूसरे को नीचा दबाते हैं, नीचा खींचते हैं? व्हाई? इसीलिए तो हम औरतें एक औरत्व, एक स्त्रीत्व खो चुकी हैं। हमें मंजूर है कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्दों के कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हम कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिटी लूज करने को तैयार हैं। फेमिनिटी लूज करना मतलब एक औरत अपने औरतत्व को छोड़ना उसको स्वीकार है। कैसे छोड़ रहे हैं? हम ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। एक औरत, एक स्त्री अग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ। हम लोग एक औरत तो, एक स्त्री, एक क्वीन तो ग्रेस, काइंडनेस, लव, पीस, वी आर नोन फॉर इट। हमारे अंदर है जो हमारा हार्मोन होता है ना मेडिकली, ईस्ट्रोजन। तो मैं मेडिकल टर्म्स में समझाती हूँ, जो मेरी क्वींस प्रैक्टिकल क्वींस हैं, तो प्रैक्टिकलिटी से मेडिकल टर्म्स में समझाती हूँ। जो ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन तो हम फेमिनिन हो जाते हैं, हम ज्यादा औरत तत्व आ जाता है हमारे अंदर। तो जो ईस्ट्रोजन है वो हमें मुलायम बनाता है, हमें सहनशील बनाता है, हमें ग्रेसफुल बनाता है, ब्यूटिफुल बनाता है, हमें हमारी अंदर की सुंदरता, चाहे भावों की सुंदरता हो, चाहे चेहरे की हो, चाहे हमारे शरीर की हो, हमारा शरीर चाहे जैसा भी हो, कर्वेशियस है, चाहे पतले सुडौल हैं, चाहे आप बहुत क्या कहते हैं भारी शरीर की महिला हैं, जैसा भी, लेकिन ईस्ट्रोजन आपको सुंदर दिखाता है। महिलाओं के ऊपर क्यों कविताएं बनती हैं? क्योंकि हम बहती हैं एक धारा के समान, एक नदी के धारा के समान, अनंत प्यार लिए, शांति लिए अपने मन में। लेकिन इस समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए हम अपना औरतत्व छोड़ने को उतारू हो चुकी हैं, हम अग्रेशन से भर गई हैं, हम
हर चीज में मर्दों की तरह कर करके मर्द बनते जा रहे हैं। शायद तुमने कहीं सुना भी हो, मैं नहीं कह रही कि तुम मेरी बात पे विश्वास करो, शायद तुमने कहीं सुना भी हो क्वींस की बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े योगी ध्यानी बोलते हैं कि यूजुअली हम जिस इंसान को पर फोकस करते हैं हम उसी के समान बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रिवेंज मत लो, बदला मत लो, क्योंकि बदले में भी हम उस एक इंसान पे फोकस कर रहे होते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया होता है लाइफ में या जिसे हम गलत मानते हैं, और उस पर फोकस करते करते कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर उस इंसान की तरह बन रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही मर्दों की डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्दों पर फोकस करके कि ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ रहा है, उस पर फोकस करके हम मर्दों के समान बनते जा रहे हैं। हम अग्रेशन से भर रहे हैं, हम अपने जो वेशभूषा है उसे भूलकर हम मर्दों की सोसाइटी की वेशभूषा को अपनाना शुरू करते जा रहे हैं। बहुत सारे अन्य तरीकों से अगर तुम बैठ के सोचोगी तो तुम्हें समझ आएगी कि कैसे हम क्षमा दान करना भूल चुके हैं, हम प्यार और शांति से किसी सिचुएशन को सुलझाना भूल चुकी हैं, हम बहुत सारी चीजों में मर्दों की तरफ ऐसे प्रभावित होती चली जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इम्बैलेंस होता जा रहा है मेडिकल साइंस में। आजकल क्यों इतने मेडिकल केसेस आते हैं, इतनी ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी हो गया, ये यूट्रिन फाइब्रॉइड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हैं, वो इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं सोसाइटी में? क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ रहा है, क्योंकि जो तुम नहीं हो वो तुम बन के रहने की कोशिश कर रही हो तो स्ट्रेस तो होगा ही। अगर हम मर्दों से प्रभावित होने की बजाय या उनकी तरह बनने की बजाय एक दूसरे का साथ देकर ऊपर उठना शुरू करेंगे ना क्वींस, जब हम अपने इस बेसिक इंस्टिंक्ट को जो हमारे अंदर डेवलप कर दिया गया है, एक दूसरे की नोक झोंक करना, एक दूसरे को नीचे खींचना, इस बेसिक इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर यूनाइटेड होकर एक औरत अगर कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, उसके काम में अच्छाई ढूंढकर, खुशी ढूंढकर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, अगर एक औरत वो काम कर रही है जो शायद तुम करना चाहती थी अपने जीवन में लेकिन कर नहीं पाई किसी परिस्थिति में, उससे तुम प्रभावित होकर, उससे इंस्पायर होकर, उससे मोटिवेट होकर अगर तुम अपने लाइफ की जो परिस्थितियां तुम्हें रोके हुए हैं उन्हें प्यार से टैकल करते हुए आगे बढ़ोगी तो तुम भी वही काम उतनी ही सुंदरता या ज्यादा सुंदरता से कर पाओगी, रादर देन अपने आप को रीजन देने के या उस औरत के गलत रीजंस निकालने के कि वो क्यों ऊपर बढ़ रही है या तुम ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाई। अगर हम जो भी एक औरत हमें क्रॉस करती है उसने कुछ भी अलग करने की कोशिश की, चाहे वो उसका स्टाइल स्टेटमेंट है, उसके बोलने का अंदाज है, उसका काम करने का अंदाज है, चाहे हम एक होम मेकर हैं वो एक वर्किंग वुमन है या वाइसी वर्सा, या फिर हम दोनों ही होम मेकर्स हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस एक औरत में तुम अगर अपना अंश ढूंढने की कोशिश करोगी ना क्वींस, तुम अपना एक तत्व उस औरत में देखने की कोशिश करोगी कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी एक क्वीन है मेरी तरह, कहीं ना कहीं इसके लाइफ में भी स्ट्रगल्स है मेरी तरह, कहीं ना कहीं ये भी खुद की खोज में लगी है मेरी तरह, शायद थोड़ी भटकी हुई है लेकिन मैं इसे प्रोत्साहित करूंगी, मैं इसे इनकरेज करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी नकारात्मकता मेरी सकारात्मकता से उभर आए, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे मन के प्यार शांति और सकारात्मकता भरे विचार इसकी नकारात्मकता को एनगल्फ कर लें, खत्म कर दें, ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मुझे दूसरी औरत का सपोर्ट बनना है, मुझे उसे आगे बढ़ाना है, चाहे वो मेरे परिवार की हो, मेरे मोहल्ले की हो, मेरी शहर की हो, मेरे फ्रेंड सर्कल की हो, मेरे वर्किंग प्लेस की हो, चाहे कहीं पे भी मैं उससे मिलूं, वो मेरी क्वीन है, उसमें मैं खुद को देखती हूं, तो मुझे उसे आगे बढ़ाना है, मुझे उसे प्रशंसा देनी है, मुझे उसे एनकरेज करना है, अगर उसने मुझे हर्ट किया तो मुझे उसे मन ही मन प्यार और शांति के विचारों से माफ करना है, चाहे मैं उसे उसकी नकारात्मकता को दूर बैठकर उसके साथ फेस टू फेस हेड ऑन ना होकर दूर बैठकर
प्यार, शांति और विश्वास के विचारों के साथ खत्म करने की कोशिश करूं। लेकिन मैं आज से प्रण लेती हूं, रेजोल्यूशन लेती हूं, एक और रेजोल्यूशन अपने इस नए साल का, कि मैं दूर बैठी हुई भी किसी भी औरत के लिए ना अपने शब्दों से ना अपने विचारों से बुरा नहीं कहूंगी, बुरा नहीं सोचूंगी, उसे नीचा करने की या खींचने की कोशिश नहीं करूंगी। चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, वो उसकी परिस्थिति थी, उसे वो सही लगा, लेकिन मेरे लिए ये सही है कि मैं अपने आप को उसमें देखकर उसे ऊंचा उठाने का हर हर प्रयास करूं। और ऐसा करने से तुम खुद कब ऊंचाइयों को छू जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्वींस। हवा में उड़ने लगोगी, इतना सुंदर महसूस करोगी इस नॉन कंप्लेनिंग दुनिया में रहकर, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम खुद बनाती हो, हम खुद बनाते हैं अपनी दुनिया। जब हमारी दुनिया में किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति हेट्रेड, किसी के प्रति दुर्विचार की कोई जगह नहीं होती है ना, तो दुनिया बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो चली जाती है। क्यों ना हम आज से प्रण लें क्वींस, एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रण, एक दूसरे की मदद करने का। अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को सुंदर से सुंदर विचार भेजो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ। इससे हमें अपने औरतत्व को खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मर्दों के समान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो हैं वैसा होते हुए भी हम बहुत ऊंचाइयों को छू जाएंगी, खूबसूरत होती चली जाएंगी। आई लव यू ऑल। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस सकारात्मकता को भी ऊपर उठाओ क्वींस। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, शेयर करो फेसबुक पे, लाइक करो, सब्सक्रिप्शन यूट्यूब के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही विचार मेरे दिमाग में आता है मेरी क्वींस तक भी पहुंच जाए तुरंत। साथ ही मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हूं। हम लोग हर जगह, हमारे परिवार बढ़ता चला जा रहा है, क्वींस फैमिली बहुत फैल रही है। उसके साथ साथ सकारात्मकता और आध्यात्मिक जीवन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी फैल रही है सभी क्वींस में। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना और यूनाइटेड रहना।